गुड मॉर्निंग, टुडे इज 9th of Feb 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहां पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस के बारे में है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल साउथ अफ्रीका की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में है, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। बीच में ये बड़ा आर्टिकल पाकिस्तान के बारे में है, हालांकि पाकिस्तान कि इंटरनल पॉलिटिक्स से संबंधित आर्टिकल है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। और यहां पे ये बड़ा आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, क्या सेपरेट फ्लैग्स होने चाहिए हमारे देश में स्टेट्स के या नहीं होने चाहिए, फेवर में अगेंस्ट में सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और नीचे ये आर्टिकल यहां पे रोहिंग्यास का इश्यू और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस की बात करेंगे। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। क्या कंटेक्स्ट है? पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के भिम्बर गली सेक्टर में एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन किया गया और हमारे 4 आर्मी के जवान शहीद हो गए, जिसमें आर्मी के एक कैप्टन भी थे। 2003 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, शुरुआत में तो देखो ये एग्रीमेंट एलओसी के लिए हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए, लेकिन बाद में 2003 के इस सीज फायर एग्रीमेंट को पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। उस समय भी हालात काफी क्रिटिकल थे, क्योंकि कारगिल युद्ध को सिर्फ 4 साल हुए थे और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने 2001 में हमारे देश की पार्लियामेंट पे भी अटैक किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की गाइडेंस में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया और बाद में मनमोहन सिंह ने भी इस लीगेसी को कैरी आउट किया। लेकिन अब जिस प्रकार से डेली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस होता है, तो लगता यह है कि ये एग्रीमेंट अब सिर्फ नाम नाम का रह गया है, लेकिन डेली इस एग्रीमेंट का वायलेशन होता है। सीज फायर वायलेशंस के दृष्टिकोण से 2017 का साल सबसे ज्यादा खराब रहा। पिछले साल यानी 2017 में सीज फायर वायलेशंस के 860 इंसिडेंट्स सामने आए, जबकि 2015 में सीज फायर वायलेशंस के 152 इंसिडेंट्स सामने आए। 2016 में 2016 में सीज फायर वायलेशंस के 228 इंसिडेंट्स सामने आए। तो मतलब साफ है, जब से ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है 2003 से, उसके बाद से ही 2017 का साल सीज फायर वायलेशंस के हिसाब से सबसे ज्यादा खराब रहा है। और जनवरी 2018 में सीज फायर वायलेशंस के किसी एक महीने में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स सामने आए। देखो, जब भी इस प्रकार का सीज फायर वायलेशन होता है तो बहुमूल्य जाने जाती हैं, आर्मी के जवान शहीद होते हैं, जो लोग रहते हैं बॉर्डर पे उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनको अपना घर बार छोड़ के शेल्टर में जगह लेनी पड़ती है, कई बार फसलों को समय से पहले काटना पड़ता है, काफी मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के डेटा के अनुसार 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच 14 लोगों की डेथ हो गई सीज फायर वायलेशंस के कारण, जिसमें 7 सिविलियंस भी शामिल हैं और 70 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हो गए। कंक्लूजन में एक बात बोली जाती है, अगर पीस इस्टाब्लिश करनी है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो एक हाई लेवल पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहिए। सब कुछ मिलिट्री लीडर्स पे नहीं छोड़ सकते, मिलिट्री लीडर्स की सहायता से शांति अचीव करना काफी मुश्किल है। हाई लेवल पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को एंगेज करना होगा, तभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पीस इस्टाब्लिश की जा सकती है। और जो एग्रीमेंट हुआ था 2003 में सीज फायर का, उसका वायलेशन होने से रोका जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशंस के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल पाकिस्तान के बारे में है, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। पिछले साल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को करप्शन के केस के चलते पीएम पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान के कुछ सेक्शंस में नवाज शरीफ के लिए काफी सिंपथी है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नाराजगी है। देखो, पाकिस्तान में आप सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को दो फेसेस में डिवाइड कर सकते हो, एक 2007 से पहले और एक 2007 के बाद। 2007 से पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं किया। इवन जब जब मिलिट्री ने सत्ता हथियाई पाकिस्तान में 1958 में, 77 में, 99 में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री रूल को लेजिटिमाइज कर दिया, यानी कि पिटीशन डाली गई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कि मिलिट्री इस प्रकार से कैसे सत्ता हथिया सकती है। लेकिन
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है अभी हालात ऐसे हैं, मिलिट्री रूल करे तो बेहतर होगा। यानी डेमोक्रेसी को कभी नहीं बचाया, इंडिपेंडेंट नहीं थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 2007 में उस समय परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एसर्ट किया और कहा कि हम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेंगे और फिर से आर्मी को पाकिस्तान में सत्ता नहीं हथियाने देंगे। देखो ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्या पाकिस्तान की आर्मी फिर से सत्ता हथियाएगी या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, 2007 के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के सुमोटो केसेस लिए, जैसे कस्टोडियल एट्रोसिटीज या फिर जो लोग डिसअपियर हो गए हैं उनसे संबंधित केसेस, रेप संबंधित केसेस। इस वजह से 2007 के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी पाकिस्तान में। लेकिन पिछले साल जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया तो जनता में ये संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान में वो सिर्फ एक दिखावा है, जो एक्टिविज्म है सुप्रीम कोर्ट का वो सिर्फ सिलेक्टिव एक्टिविज्म है। बहुत से लोगों ने आवाज़ भी उठाई सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद, जो नवाज शरीफ की पार्टी है उनके MLAs ने आवाज़ उठाई और एक MLA को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने के कारण डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। दो मिनिस्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस सेंड किया। लेकिन इशू ये है, परवेज मुशर्रफ जो अभी पाकिस्तान से बाहर हैं उनको वापस पाकिस्तान में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी जो कई बार पाकिस्तान के संविधान को डिसरिस्पेक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा चिंता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये जो एक्टिविज्म है सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में वो सिर्फ सिलेक्टिव एक्टिविज्म है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस करती है। इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जो व्यू पाकिस्तान की आर्मी का होता है वही व्यू पॉइंट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी होता है। देखो पाकिस्तान में जो इतने सारे एक्टर्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी, कई बार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी अलग से कुछ एक्टिविज्म दिखाती है, रेडिकल एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक जगह है, इतने सारे एक्टर्स की वजह से ही पीस इस्टाब्लिश होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी भारत सरकार कोशिश करती है पाकिस्तान की सरकार के साथ एंगेज करने की ताकि पीस इस्टाब्लिश की जा सके, पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को असर्ट करती है ये दिखाने के लिए हम भी रेलेवेंट हैं। जानबूझ के पाकिस्तान आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट होते हैं वो अटैक करते हैं इंडिया पे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को यूं लगता है कि अगर पीस इस्टाब्लिश हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो उनको कौन पूछेगा, वो इरेलेवेंट हो जाएंगे पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बार बार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन्स क्रिएट की जाती है, सीज फायर का वायलेशंस किया जाता है और आतंकवादियों को समर्थन भी दिया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में है। GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स में ये आर्टिकल कवर होगा। इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने अलग से चैप्टर डिवोट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ने साफ तौर पे बोला कि देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का साफ साफ लिंक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना खर्च किया जाता है हमारे देश में, जो कि 0.8% ऑफ GDP और 1,00,000 करोड़ है, इसे डबल कर दिया जाए इंस्टेंटली। अगर इसे डबल कर भी दिया जाता है तो हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए खर्च काफ़ी कम होगा एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, इसराइल, जापान, USA। इन देशों में GDP का 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है। देखो बड़े बड़े GDP फिगर्स की हम बात करते हैं लेकिन इस डिबेट में हम ये भूल जाते हैं कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को फंड की ज़्यादा आवश्यकता है बजाय इसके कि जो मिशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, जैसे देखो हिग्स बोसोन प्रोजेक्ट आज काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, $1 बिलियन का खर्चा होता है इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की कुछ साइंटिस्ट के इंडिपेंडेंट वर्क से, जैसे पीटर हिग्स। आप गूगल की बात कर लीजिए, गूगल जो आज $100 बिलियन एंटरप्राइज है, शुरुआत हुई थी पेज और ब्रिन के इनोवेटिव मैथमेटिकल आइडिया से। रमन स्पेक्ट्रोमीटर्स की आप बात कर लीजिए, आज रमन स्पेक्ट्रोमीटर्स की मार्केट $1.2 बिलियन की है, लेकिन 1928 में CV रमन ने अपनी लेबोरेटरी में ₹200 का खर्चा किया और रमन स्पेक्ट्रोमीटर्स को इजाद किया जिसका इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। CV रमन ने रमन स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इंडिया को पहला साइंस नोबेल प्राइज भी दिलवाया। 1960 में विक्रम साराभाई सिंपल साउंडिंग रॉकेट्स पे काम कर रहे थे, साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लेकिन आज हम विक्रम साराभाई को इंडिया के साइंस प्रोग्राम के जनक के रूप में जानते हैं।
तो कहने का एसेंस साफ है, ये सारे जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए आज बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स का बहुत नाम है, लेकिन जो ओरिजिन हुआ था इन प्रोजेक्ट्स का वो एक छोटे से आइडिया से हुआ था, छोटे से प्रोजेक्ट से हुआ था। इसीलिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े मिशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे खर्चा ना करो, लेकिन देखो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइंस हैं। अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे खर्चा नहीं करते हो, इसका मतलब आप पाइपलाइंस को चोक कर रहे हो, आप रिसर्च को रिटार्ड कर रहे हो। कुछ डेटा भी दिया हुआ है, जैसे इंडिया का जो टोटल एलोकेशन है साइंस मिनिस्ट्रीज के लिए 27,910 करोड़, उसमें 900 करोड़ खर्च किए गए बेसिक साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए, जो सिर्फ 3.22% है टोटल फंड्स एलोकेशन का। ये फंड्स दिए गए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को जो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च एलोकेशन करती हैं, जबकि यूएस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि यूएस की एपेक्स बॉडी है मेडिकल रिसर्च के लिए, इस अकेली बॉडी ने $25 बिलियन रिसर्च ग्रांट की छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। एसेंस साफ है, इंडिया को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स एलोकेट करने होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा होता है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो पब्लिकेशंस, पेटेंट्स और इनोवेशंस की सहायता से काफ़ी सारा फायदा इंडिया को हो सकता है। कंक्लूजन में कहा जाता है, इंडिया को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर मॉडल पे ज़्यादा फोकस करना होगा। देखो, इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो एक लैब को एडमिनिस्टर कर रहा होता है। लैब के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और जो पूरी लैब को गवर्न कर रहा होता है, एडमिनिस्टर कर रहा होता है, उसको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। इस पर्सन को पता है, क्योंकि उसको पता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी लैब के अंदर, उसको पता होता है कि कौन से प्रोजेक्ट को कितना फंड चाहिए। तो इस मॉडल से इंडिया छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकता है। आज का एक जो छोटा आइडिया है आगे जाके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन आज ही अगर उस आइडिया को पंख नहीं मिलेंगे, अगर छोटे प्रोजेक्ट को इनफ फंड्स नहीं मिलेंगे, तो वो कल को बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन सकेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में एक बात ये भी बोली जाती है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर सुधारने की भी आवश्यकता है। आपको याद होगा साइंस रिसर्च से संबंधित एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें कहा गया था कि यूएस में यूनिवर्सिटीज में आपस में कंपटीशन रहता है कि कौन टैलेंट को हायर करेगा, लेकिन हमारे इंडिया में टैलेंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म काफ़ी ज़्यादा है रिसर्च में भी। कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने पहले अच्छा काम किया है उनका एक पर्सनैलिटी कल्ट बन जाता है, उन्हीं को तवज्जो दी जाती है रिसर्च एलोकेशन में, जबकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे साइंटिस्ट की कदर नहीं होती। तो गवर्नेंस जो है रिसर्च का वो भी इंप्रूव करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था रिसर्च के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारे देश में स्टेट्स के अलग से सेपरेट फ्लैग के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स में ये आर्टिकल कवर होगा। सबसे पहले हम अगेंस्ट में बात करते हैं, क्यों हमारे देश में किसी राज्य का अलग से फ्लैग, अलग से झंडा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, अगर किसी राज्य का हमारे देश में अलग से फ्लैग होगा तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, उसकी रेलेवेंस कम हो जाएगी। तो किसी राज्य का अलग से फ्लैग नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, एक नेशन की जो भावना है, जो सेंटीमेंट्स हैं, वो भी कमजोर हो सकते हैं अगर हमारे देश में राज्यों के अलग से फ्लैग होंगे तो। तीसरा पॉइंट आता है, रीजनलिज्म भी बढ़ सकता है। आज अगर किसी राज्य को अलाउ किया जाता है कि उसका अलग से फ्लैग हो, तो कल को उस राज्य में अलग से देश बनाने की भावना भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसीलिए अलग से फ्लैग किसी राज्य का ना होना चाहिए, इससे रीजनलिज्म बढ़ता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, सोशल फैब्रिक भी बिगड़ता है, भाईचारा की जो भावना है वो भी खत्म होती है अगर किसी राज्य का अलग से फ्लैग होता है तो। क्यों? क्योंकि देखो, मान लीजिए अगर किसी राज्य का अलग से फ्लैग है, ए राज्य का, और बी राज्य का अलग से फ्लैग है, तो बी राज्य का कोई व्यक्ति ए राज्य में जाएगा तो हो सकता है कि वो ए राज्य के झंडे को, ए राज्य के फ्लैग को उतनी रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन वहां के जो लोग हैं इस बात से अप्रसन्न हो सकते हैं, अनहैप्पी हो सकते हैं। क्योंकि देखो, चीजें बहुत ज्यादा जनरलाइज हो जाती हैं। ए स्टेट को लोगों को यूं लगेगा कि बी स्टेट के लोग ए स्टेट से नफरत करते हैं, उनके फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो स्टेट्स के आपस में भी काफी सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो इससे जो हमारे देश की यूनिटी है वो प्रभावित हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किया अगेंस्ट में। लास्ट में एक पॉइंट ये भी है, देखो कुछ लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि यूएसए का अलग से फ्लैग है, यूके में भी स्टेट्स का अलग से फ्लैग है,
उनका फेडरलिज्म का मॉडल अलग से है, हमारा फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो अलग है, देश की सिचुएशन के हिसाब से है। हमारे देश में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारे देश में यूएसए से सिचुएशन अलग है, इसीलिए हमारे देश में डिफरेंट राज्यों के लिए अलग से फ्लैग का प्रोविज़न नहीं किया जा सकता। अब फेवर की बात करते हैं। फेवर में ये कहा जाता है कि अगर किसी राज्य को अलाउ किया जाता है कि उसका अलग से फ्लैग हो, तो सबसे पहली बात यह कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, क्योंकि हमारे संविधान में स्टेट फ्लैग के लिए कहीं भी मना नहीं किया गया है। इवन जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 और आर्टिकल 51, कहीं भी स्टेट फ्लैग के लिए प्रोहिबिट नहीं किया गया है। इसलिए अगर कोई स्टेट अलग से फ्लैग अडॉप्ट करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। और देखो, डिफरेंट स्टेट्स में उनका अलग से स्टेट एनिमल है, स्टेट ट्री है, तो फिर स्टेट फ्लैग में क्या दिक्कत है? और ये अगर लोगों की भावनाएं हैं, अगर किसी स्टेट के लोगों की ये फीलिंग्स है कि उनका अलग से स्टेट, अलग से फ्लैग होना चाहिए, तो लोगों की फीलिंग्स को आप सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की फीलिंग्स को सप्रेस करोगे तो बल्कि रीजनलिज्म और ज्यादा आएगा। हमारे देश में शुरुआत में जो स्टेट्स का निर्माण हुआ था वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के आधार पर हुआ था। अगर डिफरेंट स्टेट्स जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के आधार पर बनाए गए हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए अलग से फ्लैग रखते हैं, तो इससे तो देश के डिफरेंट जो कल्चर्स हैं वही प्रमोट हो रहे हैं, इससे नुकसान नहीं होगा। उसके बाद वही आर्ग्यूमेंट, यूएसए में हर एक स्टेट का अलग से सेपरेट फ्लैग है, इवन हमारे इंडिया में भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनका अलग से फ्लैग है, तो अगर कोई स्टेट अलग से फ्लैग रखता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि स्टेट फ्लैग की जो ऊंचाई है हमेशा नेशनल फ्लैग से छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट फ्लैग जो है वो नेशनल फ्लैग से ऊपर लहरा रहा हो, ये नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। कंक्लूजन में देखो, एक बात तो ये बोली जाती है, ये एक ऐसा इशू है जिस पे डिस्कशंस होनी चाहिए, डिस्कशंस नहीं रुकनी चाहिए इस इशू पे, अदरवाइज जो पीपल्स के सेंटीमेंट्स हैं वो और ज़्यादा हर्ट होंगे। एक दूसरी बात ये बोली जाती है कि नेशनलिज्म, जो ये कहा जाता है कि नेशनलिज्म जो हर्ट होगा अगर अलग से स्टेट फ्लैग अडोप्ट होता है, देखो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर भारतीय मूल का कोई ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चीयर करता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो भारतीय संस्कृति को भूला नहीं है, लेकिन इंडिया में ब्रिटिश मूल का अगर कोई भारतीय नागरिक ब्रिटेन की टीम को चीयर करता है तो वो बात हमें पसंद नहीं आती। हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया की टीम को चीयर करना होगा। तो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। सेपरेट फ्लैग का जो इशू है अपने आप में काफ़ी बड़ा इशू है, काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं इस इशू में, इसलिए पूरे देश में इस इशू पे चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश में हायरार्की ऑफ आइडेंटिटीज भी क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे स्टेट का अलग से फ्लैग हो तो स्टेट की आइडेंटिटी, उसके बाद सबसे बड़ी नेशन की आइडेंटिटी, इस बीच में और भी आइडेंटिटीज हो सकती हैं रीजन की, और स्टेट के अंदर भी काफ़ी सारी आइडेंटिटीज हो सकती हैं, लेकिन हर एक आइडेंटिटी की अपनी अपनी प्रायोरिटी, सबसे ऊपर आए नेशन की आइडेंटिटी, उसके बाद स्टेट की आइडेंटिटी, जो भी हायरार्की होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक दिन कुछ लोग कर्नाटका की टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे दिन जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, और तीसरे दिन आईपीएल में कुछ प्लेयर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन हो पाएगा जब इस पे पूरी डिस्कशन होगी और लोग सेपरेट फ्लैग्स के पूरे इशू को समझेंगे। इसलिए इस पूरे इशू पे डिस्कशंस होनी बहुत जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल था सेपरेट फ्लैग्स के इशू के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल रोहिंग्यास और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में है। हमारे पड़ोस में बहुत बड़े लेवल पे रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिला। म्यांमार से ऑलमोस्ट 650,000 रोहिंग्यास ने बांग्लादेश में शरण ली, लेकिन इस मुद्दे पे हमारा स्टैंड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहा। शुरुआत में हमने म्यांमार की आर्मी जो रेडिकल रोहिंग्यास के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी उसको हमने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में बांग्लादेश ने इंडिया को कहा कि हमारे देश पे बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 650,000 रोहिंग्यास आ चुके हैं। इंडिया इस पूरे रीजन में एक लीडर है, इंडिया म्यांमार को कहे कि आप रोहिंग्यास का जो क्राइसिस है उसे जल्द से जल्द सुलझाइए। हमने फॉर्मेलिटी की और म्यांमार को कहा कि आप सुलझा लीजिए रोहिंग्यास का क्राइसिस, और एक हमने ऑपरेशन इंसानियत भी चलाया, यानी जो रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आए थे बांग्लादेश में उनकी हेल्प करने के लिए हमने कुछ राशन उन तक पहुंचाया। इसके अलावा हमारा स्टैंड रोहिंग्यास के मुद्दे पे बहुत कमजोर रहा, इवन सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो ऑलरेडी 40,000 रोहिंग्यास हमारे देश में हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, उनको हमारे देश से बाहर निकाल दिया जाए। हमने डिप्लोमेटिक ग्राउंड को छोड़ दिया इस पूरे इशू पे, जबकि चाइना
चाइना ने एक मीडिएशन किया बांग्लादेश और म्यांमार के बीच। म्यांमार राजी हो गया कि रोहिंग्यास क्राइसिस को वो सुलझाएगा और जो 6,50,000 रोहिंग्यास फिलहाल बांग्लादेश में हैं उनको वापस लिया जाएगा। ये काम इंडिया के द्वारा भी किया जा सकता था क्योंकि इस पूरे रीजन में इंडिया एक ट्रेडिशनल लीडर रहा है। आज म्यांमार और बांग्लादेश ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं चाइना पे बजाय इसके कि वो इंडिया पे ध्यान दे सकते थे। अगर इंडिया कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता इस इशू पे, कम से कम मीडिएशन करवा सकता था बांग्लादेश और म्यांमार के बीच। तो ये पूरा आर्टिकल था रोहिंग्या इश्यूज और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो सीज फायर वायलेशंस होते हैं। उसके बाद हमने पाकिस्तान में फिलहाल क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का सिलेक्टिव एक्टिविज्म, वो सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं साइंस के लिए उन पे काफ़ी कम खर्च किया जाता है। छोटे प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा खर्च होना चाहिए क्योंकि आज के जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो कल के बड़े प्रोजेक्ट बन सकते हैं, बड़े आइडियाज़ बड़ी इनोवेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमने सेपरेट फ्लैग्स का इशू डिस्कस किया, अगेंस्ट में पॉइंट्स और फेवर में पॉइंट्स भी डिस्कस किए। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया रोहिंग्यास का इशू और इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।